तो यार देखो पहला स्लिप हम हो गए। अबे स्पीड तेज हो गई थी ना हल्की से। तेरा भाई ले जाएगा तुझे सेफ एंड साउंड। ओके बाय हर्षिल। गाइज आप गैस करिए इसी स्पीड से हम अगर चले तो किसी देर में पहुंच जाएंगे। अभी हम जाएंगे अपने घर की तरफ चुपचाप। क्या हुआ, ये गाड़ी फंस गई क्या? अरे ट्रक, ओ फक। तो यार हम देखो फ्लो के साथ चल ही रहते, वैसे फ्लो खराब हो गया थोड़ा। और ये नीचे देखो, ये है हर्षिल वैली वैसे पूरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्नो में ये पेट्रोल का टैंक है जो ये स्लिप हो गया शायद, और अब आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। क्या करा जाए यार, ये तो दिक्कत हो गई। तब तक क्या करें, यहाँ स्नो में फंसे रहे क्या? और सीरियसली यार ऐसा लग रहा है किसी गेम के अंदर है, गेम का सीन लग रहा है पूरा। भाई ये क्या रास्ता हो रखा यार, ये क्या हो गया? क्या बाइक निकालने का मुश्किल है, आ जाएगी। ये ट्रक भी कैसे फंसा यार, ला जाऊँ? आ जाएगी ठीक है, नहीं तो दबा दूंगा। हाँ नहीं तो दबा दूंगा। तो यहाँ पे सबको लेके आ पहले तू, दो दबा। हाँ मैं लाता हूँ। वैसे भी हम तो बाइक में, हमने तो यार देखो मैं बाइक पे चलता हूँ पहले जल्दी से, बाइक लेने हमको तो निकलना ही पड़ेगा क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है और स्नोफॉल बहुत भयंकर हो रही है यार यहाँ। तो स्नो में मुझे तो नहीं फंसना है। बाइक देख रहे हो, वो बोल तो रहे हैं कि ट्राई कर लो। हाँ नहीं, वो बर्फ है साइड में आगे। दिक्कत ये है ना कि ओ भाई कि आगे पे कोई ट्रेल नहीं बन रखे है भाई, नहीं तो आज हमने यहीं पर दब जाना है बर्फ़ में अगर हम ऐसे। बैठ, चलना पड़ेगा ऐसी, ट्राई करते हैं हल्के हल्के, और क्या कर सकते हैं तब। चलो किसी तरह बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से निकल गए। और अब यहाँ रोड देखो, ना कोई ट्रेल है ना कुछ है। अबे यार, और बताओ पीछे जो उसने ट्रेल बनाई है वो कार वालों की थी, वो ट्रक ने हाँ ट्रक और कार की थी वो, यानी कि अभी तक इससे आगे कोई नहीं गया, इससे आगे कोई गया ही नहीं। तो देखो यस BTS फर्स्ट हम ही है। तो यार देखो अब तो कुछ ज़्यादा ही केयरफुली चलना पड़ेगा हमको। अब हम कोई BTS नहीं करेंगे और यहाँ से निकलेंगे चुपचाप से, और जितना भी आगे चले वो पूरी कोशिश करेंगे हम कि जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की कोशिश करें हम, और सेफ़ एंड साउंड बिल्कुल, जहाँ पे बर्फ़ कम हो थोड़ी। कल ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए हमको। ओह माय गॉड, ओ भाई तेज़ हो गई स्पीड यार, हल्की करनी पड़ेगी। A few moments later. मैं टांग के बल ऐसे पकड़ा। तो यार देखो पहला स्लिप हम हो गए। ठीक है आराम से, पर ऐसे गिरे नहीं है ना। पता नहीं मैंने वहाँ पर अचानक से देखा है बर्फ ज्यादा, मैं तो बातें करने लग गया था। अबे स्पीड तेज हो गई थी ना हल्की से। अभी हम भाई स्लिप होते होते बचे, ऑलमोस्ट स्लिप हो गए मतलब। यहाँ तो भाई ये ज़्यादा है यार, यहाँ पे ज़्यादा है बहुत। हेलो ब्रो, बहुत रिस्क है लाइट था भाई। ये मैंने खुद करा। देखो जो अभी हम कर रहे हैं वो ना समझी है, साफ सीधी बात, ठीक है। वो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत अच्छी, हाँ कोई ब्रेवरी अवार्ड मिले, ये कोई बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये ना समझी है, पर फिर भी हम जा रहे हैं। जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना। ओए स्लिप हो गई। किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना। BTS 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 we love you guys. We have branded your fake guys. गर्ल्स मेरी इस वीडियो में BTS BTS हो जाना चाहिए, ठीक है ना। मुझे पता नहीं क्यों पैट्रियोटिक सॉन्ग याद आ रहे हैं। संदेशे आते हैं मुझे बुलाते कि चिट्ठी आएगी, जान जानी है जाएगी एक दिन, चिंता मत कर अभी आएगी यहाँ, कल क्या हो किसने जाना। ये योर लाइफ BTS भाई, एक भी टायर का छापा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। किस मनोज घड़ी आया मैं तेरे साथ यहाँ। ये देखना स्लिप हो रहा है, देख पीछे का यार। गाइस देखो अब यहाँ पे थोड़ा स्नोफॉल कम हो रखा है, मगर हर्षिल में सीरियसली यार बहुत ज़्यादा स्नोफॉल था, बहुत ही ज़्यादा। सड़क तो पूरी भर रखी वहाँ। अगर जाओ तो पूरे तैयारी के साथ जाओ, ठीक है। हमारी तरह डेयरिंग मत बनना, ना समझी मत करना। पर वो तो अपने पर्सनल रीजन है इसलिए हम वापस जा रहे हैं। तो यार गाइस देखो अब जाके बर्फ़ थोड़ी कम हुई है यार यहाँ पे, नहीं तो पीछे से पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ भाई। क्या भयंकर रास्ता है, जैसे मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था जहाँ पे हम स्लिप हुए थे हल्के। नहीं अभी भी है ही यार वैसे बर्फ़ काफ़ी हद तक। हाँ वो खुशी थोड़ी देर तक के लिए थी, ले और भयंकर हो रहा। वही तो, अब ऐसे ही हमें जाना पड़ेगा यार। पता नहीं कितना लंबा रास्ता होगा ऐसे में। फ़िलहाल तो चलना पड़ेगा, घर तो नहीं जाएंगे वैसे, कहीं बीच में रुकेंगे कहीं अच्छी सी लोकेशन देख के। तो गुड मॉर्निंग यार आप सभी को पहले तो। और हम उत्तरकाशी कल रात को पहुँचे एकदम। तो अभी हम यहाँ रुके हुए थे होटल सिद्धार्थ में यार। और सीरियसली गाइस 300 रुपये का इतने उत्तरकाशी में, वो भी नहीं अच्छी खासी जगह में 300 रुपये का रूम मिला हुआ था, तो काफ़ी अच्छा था। अंदर से गीज़र वगैरह सब था यार। 300 रुपये में क्या बुरा है। चल ठीक है निकलते हैं। तो यार देखो गाइस हम उत्तरकाशी में अभी, मतलब कल हम शाम के टाइम पे भी हम वापस इसलिए आए उत्तरकाशी की तरफ, बिकॉज यहाँ देखो अभी यहाँ पे बारिश हो रही है और अभी भी इस टाइम पे हर्षिल में स्नोफॉल हो रही है और वहाँ रास्ता आने जाने के लिए सब बंद हो चुका है। तो जब हम निकल रहे थे हैवी स्नोफॉल हो रही थी और अब जाके तो पूरा, मतलब अभी भी स्नोफॉल हो ही रही है और पूरा का पूरा रास्ता बंद हो रखा है। तो ना जाना होगा वहाँ पर ना फिर आना होता है। तो अगर हम वहाँ रहते तो हम फंस जाते पूरा। तो इस चक्कर में हम यहाँ पर आ गए वापस उत्तरकाशी। आपको एटलीस्ट हम देखो भीग भीग के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल तो यार पूरे शूज़ वगैरह सब गीले हो गए, भले वाटरप्रूफ थे बट अंदर से पजामा गीला, चुस्ती मेरी चुस्ती भी गीली। बट ये है कि यार मज़ा आ गई, बहुत मज़ा आया हमें वहाँ पे हर्षिल में, काफ़ी अच्छी जगह है। तो यार देखो अभी हम उत्तरकाशी से बाहर निकल गए और अभी हम है बाईपास वाले पुल पे, फिर घर की तरफ चलते हैं अभी धीरे धीरे। अभी देखो बारिश हो रही है धीरे धीरे और इस चक्कर में मैंने माइक अभी हटा रखा है ताकि वो भीगे ना। तो फिलहाल के लिए तो बस आप नज़ारे का आनंद लीजिए और चलते हैं अभी हम श्रीनगर की तरफ, अपने घर की तरफ आज। तो यार चलो हम यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करते हैं थोड़ा। ठीक है भैया, काफ़ी अच्छी जगह थी यार। इंडियन फास्ट फूड, डिमसम, और लोकेशन देखो यार, लोकेशन कितनी प्यारी है यार ये। हम इधर से आए थे और जाएंगे इस वाले रास्ते से, बिकॉज वहाँ पे मे बी रोड ख़राब हो सकती है, तो इस वाले रास्ते से जाना प्रेफर करेंगे हम इस बार। A few moments later. तो यार अभी हम बहुत अच्छी लोकेशन पर रुक रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम बहुत ही प्यारी लोकेशन, मतलब देखो ना कितना सुंदर लग रहा है, और देखो कितना सुंदर लग रहा है। ओ भाई कितना, ओ भाई लैंडस्लाइड आ रही है ऊपर, चल ले भाई मरेंगे। थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड फॉर मेकिंग सच अ बीस्ट। तो यार देखो अभी यहाँ पे हम एक शेल्टर के नीचे वेट तो नहीं कर रहे, बट रुक रखे हैं थोड़ी देर के लिए ऐसी, क्योंकि पूरे हम गिल्ले पिल्ले हो चुके हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर से जगह देखो पहले कितनी प्यारी है। ये हालत हो रखी है शूज की, और शूज है ठीक है तो से वाटरप्रूफ वाटरप्रूफ शूज। अभी लगभग 100 किलोमीटर और कवर करना है हमने। These are my riding gloves for now and look at the condition bro, पूरा भीग रखे यार। अभी देखा आपने, सॉक्स से पूरा पानी निकल रहा है, शूज़ गिले हो रखे हैं, बस ऊपर के कपड़े बच रखे और नीचे के कल रात के ही भीगे हुए पहन रखे मैंने गीले कपड़े। ये गीले गीले ग्लव्स पहनने पड़ रहे, बताओ सारी चीज़ें वेट हो रखी है आज हमारी। फिर से निकलते हैं सफ़र पे अपने, कुछ ज़्यादा ही भयंकर सफ़र हो गया हमारा, इस सफ़र के कारण हम सफ़र कर रहे हैं। तो चलो यार श्रीनगर से आ गए हम हर्षिल। हर्षिल से श्रीनगर आ गए वापस यार, और चलेंगे अब फिर दोबारा से कहीं और किसी और जगह जल्दी से, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।